विधिजविषयान् प्राश्य योगान्तविष्टान् अस्वाचान्यान् स्वशमतिविभवान् ज्योतिषास्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शरणै स्वात्मनिष्ठापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणा पात्वसौ नास्तुरीयः। मांडुक उपनिषद के आगम प्रकरण के ऊपर विचार करते हुए एक भाग पूरा हुआ जो छह मंत्रों के ऊपर जो तीन अवस्था को लेकर के वर्णन किया गया उसके ऊपर कार्य करेंगे। कुछ विशेष चीजें बताया कि तीनों स्थान में एक ही है और एक ही तत्व तो भोक्ता और भोग को दोनों रूप में दिखाई पड़ते हैं और इस तत्व को जो जानते हैं वो भोग करते हुए भी भोग के द्वारा रह पाए मन नहीं है। फिर इस सृष्टि के पीछे क्या कारण हो सकता है, कैसे बना, क्यों बना, इसके उत्तर देते हुए कहा अलग अलग वादियों के अलग अलग मानव हैं। यदि सृष्टि पारमार्थिक हुई होती ना तो सभी वादी का एक ही मत होता, तब सभी वादियों का एक ही मत होता, इससे सिद्ध होता है कि सृष्टि में कोई पारमार्थिकता नहीं है। इस प्रकार तीन पाद जिसके माध्यम से चल करके चौथा पाद तक पहुंचा जाता है उस चौथा पाद की वर्णन करते हुए श्रुति ये कहती है मंत्रों के एक साथ न अंत प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं न भयक प्रज्ञं न प्रज्ञान घनं न प्रज्ञं न प्रज्ञं अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एव आत्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः। जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रज्ञता अंत प्रज्ञता बहिष्प्रज्ञता मतलब ज्ञान की प्रक्रिया जहाँ पे नहीं है परंतु जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, जो जिसमें कि जिसको किसी भी प्रकार की समाधि के द्वारा नहीं जाना जा सकता है परंतु जो स्वयं समाधिस्थ है क्योंकि उसमें कोई विकार नहीं है, बस एक इस प्रकार के तत्व वो इंद्रियों का विषय नहीं है इसलिए व्यवहार के विषय नहीं है, उसका आदान प्रदान नहीं किया जा सकता है, उसको समझाया नहीं जा सकता है, उपदेश नहीं किया जा सकता है, तो समझ में कैसे आएगा। एक आत्म प्रत्यय सार, बस यदि आत्मा के प्रति वृत्तियाँ जाती रहे आत्मा आत्मनिष्ठ होते रहे मन तो उस वही उसका समझने के लिए एक ही उपाय है आत्म प्रत्यय शरण। और उससे क्या होगा प्रपंच उपशम, जहाँ पे मन दौड़ता है वो उसी में समेट जाना चाहिए, है ना। शांतम शिवम अद्वैतम, जब इंद्रिय मन बुद्धि वृत्ति शांत हो जाते हैं भेद देखना बंद हो जाता है वही सबसे कल्याणकारी तत्व है, कोई संसार में जानने योग्य है वही तुम्हारा स्वरूप है स आत्मा सब उसी को जानने योग्य संसार। अब जो है दो वादियों में कुछ वादी कहते हैं कि आपको जैसे चार व्यक्ति को समझाना था तीन व्यक्ति को समझा दिया तो चौथा यही है, इसमें अलग करके कहने का क्या आवश्यकता है। तो श्रुति ये कहती है कि यहाँ पे जो जिस चीज़ आपको दिखाई दे रहा था वो चीज़ वहाँ पे जिस समय दिखाई दे रहा था उस समय भी वहाँ पे नहीं है, भ्रांत वस्तु जिस समय हमको दिखाई दे रहा है ज्ञान होने के बाद हम स्वयं निर्णय करते हैं क्या कि जिस समय मुझे दिखाई दे रहा था उस समय भी वस्तु वहाँ पे नहीं थे, इसलिए यहाँ पे दोबारा निषेध मुख से इसको प्रतिपादन करते हैं। यदि इसको किसी शब्द प्रयोग के द्वारा नहीं कहा जा सकता है तो आपने कहा कि प्राण इंद्रियां मन बुद्धि शरीर सब अधिष्ठानीय है, हमें तो ये दिखाई पड़ता है कि जो अधिष्ठान होता है ये इसका अधिष्ठान ऐसा इस प्रकार से इसको समझा जा सकता है। आप फिर कैसे बोलते हो कि ये जो है शब्द व्यवहार के विषय नहीं है, शब्दों के द्वारा इसको समझाया नहीं जा सकते हैं। मतलब तुरीय जो है क्योंकि वो जो है शब्द प्रवृत्ति निमित्त अनभिधेयत्म पूरी तुरीय में बैठा हुआ है, एक बात ही बोलता है वो तो अभिधेय है क्योंकि अधिष्ठान है, एक बात ही बोलता है कि वो अधिष्ठान तो है परंतु अभिधेय नहीं है,
अब यहाँ पे क्या विवाद है? अधिष्ठान तो दो प्रकार पे होता है, एक समसत्ता वाला एक विषम सत्ता वाला, ठीक है, समसत्ता वाला और विषम सत्ता वाला। समसत्ता माने जैसे जल और धरा, जल का आधार हो गया धरा, परंतु एक विषम सत्ता वाला रज्जु सर्प और रज्जु, अथवा सुक्ति का और चांदी, चांदी हो गया आपका आरोपित वस्तु सुक्ति का। इस प्रकार जो है अमधुम अमरभ, ये को समझ नहीं पाए, सुक्ति वाक्य को समझ नहीं पाए, सुक्ति स्वयं के सारे कल्पित बोल रहे हैं, इसलिए कल्पित वस्तु का जो अधिष्ठान होता है उसको पारमार्थिक अधिष्ठान वहाँ पे है ही नहीं, वो तो कल्पना था, इसीलिए उसको इस प्रकार से नहीं कहा जा सकता। अब यदि तुम्हारी बात का मान्यता भी देते हैं, ठीक है, अधिष्ठान है, तो किसी अथवा इसके लिए शब्द प्रयोग हो सकता है, तो तुम्हारे यहाँ पर शब्द प्रयोग के निमित्त क्या है? शब्द प्रयोग के निमित्त पांच होता है, संबंध, जाति, गुण, क्रिया, रूढ़ी। संबंध, जाति, गुण, क्रिया, रूढ़ी, तो यहाँ पे कौन सा लेकर के तुम बोलते हो? देखो, यदि संबंध होगा तो दो व्यक्ति चाहिए, हमारे सिद्धांत कौन सा दो है नहीं, किसी के साथ संबंध नहीं हो सकता। और यदि जाति होगा तो अनेकों में रहने वाले सामान्य धर्मों को जाति बोलते हैं, अनेक भी नहीं है, कोई क्रिया भी नहीं है जिसके द्वारा समझा जा सकता है कि ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, अथवा लेबर है, और क्या है, वो भी कुछ क्रिया नहीं है और कुछ गुण भी नहीं, फल तो इसको इस प्रकार से नहीं कहा जा सकता। तो रूढ़ी है, रूढ़ी जो वस्तु होता है ना प्रत्यक्ष कुमार गम्य होता है। प्रसिद्धि कोई शब्द की प्रसिद्ध तभी हो सकता है जब वो शब्द गम्य वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता है, प्रमाण गम्य विषय होता है, तब जाकर वो रूढ़ी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो जो पांचवा ही वहाँ पे नहीं है, किस पे जिस तुरीय तत्व हम समझाना चाहते हैं, तो शब्द प्रयोग का विषय कैसे बन सकते हैं? समझ में संक्षेप में इतना हमने कल पढ़ के आया था। देखिए इस पंक्ति को हमने पढ़ लिए थे पेज 45 में, ठीक है, आप बोलो कि तच्च षष्ठी वा रूढ़ी वा जाति वा क्रिया वा गुण वा इति विकल्प प्रथमं प्रत्यय। ये जो शब्द प्रयोग के निमित्त के लिए जो पाँच चीज है, इसमें तुम क्या मानते हो? संबंध को मानते हो कि रूढ़ी को मानते हो कि जाति को मानते हो, क्रिया भी मानते हो, गुण को मानते हो? अब यहाँ पे अब हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, तुरीय अतिरिक्त अवस्तुत्वा, तुरीयों से भिन्न कोई भी वस्तु पारमार्थिक नहीं होने के कारण जिस प्रकार प्रातिभाषी का व्यवहारिक वस्तु में कोई संबंध नहीं हो सकता, कल्पना मात्र ही है, इसलिए आप बोलते हैं तुरीय अतिरिक्त स्ववस्तुत्वा तस्य तुरीयस्य च वस्तुभूत संबंध असिद्ध। तुरीयों के साथ उसका वस्तु पारमार्थिक संबंध न संबंध नहीं होने के कारण विषय अभावे कुतो षष्ठी, द्वितीय कोई विषय है नहीं, जो षष्ठी संबंध के द्वारा आप शब्द उपयोग कैसे कर सकते। द्वितीय क्या था वहाँ पे? द्वितीय बोला था रूढ़ी, रूढ़ी के लिए आपको कोई प्रमाण की आवश्यकता होती है, प्रत्यय कोई प्रमाण के द्वारा जाना है। द्वितीय विषय थी, द्वितीय भी नहीं बोल सकते हो, क्यों ना पी प्रमाणांतर विषयत्म स्वरूपेण गवादिवत, वो कोई प्रमाणांतर के विषय से गाय घोड़ा भैंस ये कोई प्रत्यक्ष प्रमाण के तरह दिखाई पड़ता है। इस प्रकार यदि ये तुरीयोदेव आत्मदेव यदि कोई प्रमाण कर ग्रम्य होता तब ठीक है, हम बोलते कि हाँ ये जो है मतलब रूढ़ी प्रयोग इसके लिए हो सकता है, मतलब प्रसिद्ध शब्द है इसके लिए, इस वस्तु के लिए प्रसिद्ध शब्द है, ठीक है ना, ऐसा तब कहा जा सकता है। नापि प्रमाणांतर विषयत्म स्वरूपेण गवादिवत, ठीक है, आत्मनो निरुपाधिकत्व, आत्मा कोई उपाधि वाला नहीं होने का, आत्मा कोई मतलब दुर्व्यात्मक विषयात्मक नहीं होने के कारण। वहाँ पे देखिए दो नंबर टिप्पणी बोलते हैं प्रमाणांतर शब्द अपेक्षया प्रमाणांतर मतलब प्रत्यक्षादि विषयत्म न स्वरूप न तुरीयस्य तत्भावाच्च न रूढ़ी सा ही प्रत्यक्ष विषय, रूढ़ी जो होता है ना प्रत्यक्ष विषय बनते हैं। देखो शब्द अपेक्षया हम केवल बोलते हैं शब्द प्रमाण के विषय है, शब्द मत आगम प्रमाण के विषय भी निषेध मुख से, आगम प्रमाण की विषेध है विषय है वो भी निषेध मुख से, इसलिए बोलते हैं शब्द अपेक्षया प्रमाणांतरम दृष्टि प्रमाण प्रत्यक्ष आदि प्रत्यक्ष अनुमान आदि तद तद विषयत्म न उसका विषय नहीं बनता है, कौन तुरीय न स्वरूप न तुरीय से तुरीय शब्द नहीं हो जाता है। तब अभावच्च इस प्रकार किसी प्रमाण का विषय होने के कारण न रूढ़ी किसी भी प्रमाण का विषय नहीं होने का रूढ़ी नहीं हो सकता है, क्यों जो रूढ़ी होता है शाही प्रत्यक्ष विषय रूढ़ी के द्वारा जिसको हम बोलते हैं ना प्रसिद्ध है, सभी व्यक्ति जानते हैं कि दिखाई देते हैं, अनुमान प्रमाण तो कई बार नहीं मानते हैं ये चार बार, परंतु प्रत्यक्ष प्रमाण तो सभी ने माना, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो दिखाई पड़ता है उसको रूढ़ी रूप में कहते हैं। ये हो गया आपका, तो रूढ़ी भी नहीं हो सकते। अब यहाँ पे देखिए कि नापि यहाँ तक हमने नापि प्रमाणांतर विषयत्म स्वरूपेण गवादिवत आत्मन निरूपाधिकत्वात्। अच्छा फिर दूसरा आगे देखिए टीका में बोलते हैं
कि विशिष्ट रूपेण विषयत्वे अपि स्वरूपेण निरुपाधिक आत्मना तत् अविषयत्वा नात्र गवादौ इव रूढिर अवतरति इति अर्थ। ठीक है, विशिष्ट रूपेण विषयत्वे अपि मतलब कोई उपाधि के साथ मिलकर के वो विषय बन जाने पर भी, जिस प्रकार ये टेबल चेयर कुछ भी दिखा विषय दिखाई पड़ता है, वो हिमालय के साथ वो सत अवचित रूप में दिखाई दे रहा है, हिमालय के साथ वो सत क्योंकि हिमालय है, गंगा जी है, ये टेबल है, तो एक उपाधि के साथ वो है वस्तु तो दिखाई पड़ रहा है आपको, परंतु अपने आप में उसको उपाधि के साथ कोई संबंध नहीं है। इसीलिए आप बोलते हैं कि विशिष्ट रूपेण विषयत्वे अपि स्वरूपेण अपने स्वरूप से निरुपाधिक आत्मना निरुपाधिक आत्मा के साथ स्वरूपेण तत् अविषयत्व किसी भी प्रमाण का विषय मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं होने के कारण न अत्र गवादौ इव, इस प्रकार गाय घोड़ा आदि वस्तु में जैसा शब्द रूढ़ी रूढ़ी ये गाय है ये घोड़ा सभी व्यक्ति जानते हैं, इस प्रकार रूढ़ी अवतरती रूढ़ी यहाँ पे अवतरण नहीं कर सकते प्रत्यक्ष यहाँ नहीं आ सकता है इति अर्थ ये इसके अभिप्रेत अर्थ हो गया। तो क्या हो गया आप यहाँ पे जो है कोई संबंध के द्वारा भी नहीं समझ सकता है, संबंध मतलब सामान्य देखिए इसका गुरु इसका चेला इसका बाप इसका बेटा इसका चाचा इसका दादा ये सब कुछ नहीं कह सकते, दूसरा कोई है ही नहीं, ये उसी के साथ संबंध नहीं सकता किसी भी प्रमाण गम में नहीं है, इसलिए आप इसको एक प्रसिद्ध शब्द है ये भी आप नहीं कह सकते। अच्छा तृतीय क्या बोला था वहाँ पे जाति, अनेकों में रहने वाला एक सामान्य धर्म को जाति बोलते हैं, जाति आपके पास आया था सामान्य को जाति सामान्य अनेकों में रहने वाला सामान्य मनुष्यत्व जाति गोत्र जाति पशुत्व जाति उद्भिदत्व जाति ये है ना, तो अनेक होता तो वहाँ पे जाति होता वहाँ पे तो अनेक है ही नहीं, एक ही है। यहाँ पे बोल देखिए न तृतीय, ठीक है कि तृतीय मतलब क्या है वहाँ पे जाति होना भी संभव नहीं है, क्यों नहीं है अब देखिए ऊपर आगे भाष्यकार बोलता है गवादि वहाँ पे ना कौमा कर देना यहाँ पे पंक्चुएशन कम नापि प्रमाणांतर विषयत्वम स्वरूपेण गवादिवत आत्मन निरुपाधिकत्वात् है ना, ये हो गया आपका सेकेंड मतलब रूढ़ी नहीं हो सकता, थर्ड आपका जो है जाति नहीं हो सकता किसी जाति का नहीं है, हमने बोला ब्राह्मण जाति तो आपको समझ में आता है कि व्यक्ति इस प्रकार विशिष्ट है, ये अलग नहीं है, ये मनुष्य जाति घटत्व पटत्व तो अलग करके जहाँ पे आते हैं वो जाति उसका अंदर रहने वाले धर्म को बोलते हैं, अनेक में रहने वाले धर्म को। यहाँ पे भाष्यकार बोलता है गवादिवत नापी जातिमत्तम, जैसे गाय में रहते हैं कौन सा जाति गोत्व है ना, कुछ बोलता है गवादिवत गाय आदि के समान नापी ऐसे भी ना जातिमत्तम और जाति वाला भी नहीं है, जाति गोत्र मित्र कुछ भी नहीं है वहाँ पे, उनके बड़ा सुंदर विविध जो मैंने बड़ा सुंदर शून्य श्लोक बोल दिया जाति कुल गोत्र ही सुंदर श्लोक आते विगत जो भगवान ना पे जाति मतम अद्वितीय ना क्योंकि अनेक नहीं है वहाँ पे द्वितीय भेद नहीं है कोई, और जाति क्या होता है सामान्य होता है और विशेष में रहता है, इसलिए यहाँ पे सामान्य विशेष अभाव वहाँ पे सामान्य और विशेष भाव नहीं है, सामान्य क्या हो गया जाति सामान्य हो गया गोत्र जाति विशेष हो गया गोपिंड सामान्य हो गया गोत्र जाति, किसी गाय का आपका पूछ कटा हो सकता है किसी गाय का आपका सिंह कम हो सकता है परंतु गोत्र जाति सब में एक ही रहता है, सामान्य और विशेष होता है इस प्रकार से तब जाकर वहाँ पे जाति प्रयोग कर सकते हैं, दो भी नहीं है इसलिए गवादिवत नापि जातिमत्तम अद्वितीयत्वेन सामान्य विशेष अभाव उसमें सामान्य भी नहीं है विशेष भी नहीं है। इसको देखिए टीकाकार समझा रहे हैं गवादौ इव अद्वितीय तुरीय व्यतिरिक दृष्टांत समझ लेना, व्यतिरिक दृष्टांत समझते हैं ना आत्मा को समझाने के लिए तो कोई शब्द नहीं है, तो गाय आदि में जैसा दिखाई पड़ता है उस प्रकार से तुरीयों में विपरीत व्यतिरिक समझना पड़ेगा अनलाइक गवादौ इव अद्वितीय तुरीय सामान्य विशेष अभावस्य अभिधातुम अयोग्यत्वात् इति मत्वा आह, क्योंकि गाय आदियों में जैसे सामान्य भी है विशेष भी है, सामान्य गोत्र जाति विशेष गोपिंड ठीक है ना तुरीय इस प्रकार से जो चतुर्थ रूप में जिसको समझा जा रहा है उसमें सामान्य विशेष अभावस्य अविधातु अयोग्यत्व पर सामान्य और विशेष का आपका अभाव होने के कारण उसको शब्द प्रयोग का योग्य वो नहीं है, अविधातु अयोग्यता क्योंकि वहाँ पे शब्द नहीं प्रयोग इति मत इसी को मन में रखते बोलता है गवादिवत इति गाय आदि के समान
वहां पे एक 8 नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहा हमारे पुस्तक में, सामान्य विशेष इत्यादि गोत्वादि सामान्य धर्म, ठीक है ना, गोत्व जो जाति है वो सामान्य धर्म है, विशेषश्च तद व्यक्तित्वादि रूप, विशेष क्या है उसमें रहने वाले जो व्यक्तित्व सामान्य अलग अलग पिंड में, मनुष्यत्व जाति सभी में समान है परंतु व्यक्ति अलग अलग है, ये सामान्य और विशेष अनेक में ये होता, आत्मा तो एक ही है, जीवादी जीवात्मा को अनेक मानते हैं उनके सिद्धांत में घट जाते हैं, वेदांतिक सिद्धांत में ये फलीभूत नहीं होता, इसलिए बोलते हैं न तृतीय गवादि गवादि इव अद्वितीय तुरीय ढकने, ये व्यतिरिक्त दृष्टांत दे रहा है, सामान्य विशेष अभाव अभिधातु अयोग्यवात्मत गवादिवत नापी जातिमत्तम अद्वितीय सामान्य विशेष अभाव, ये हो गया आपका तृतीय भी खंडित हो गया, मतलब कोई जाति का अंतपाति नहीं है, विशेष में विशेष क्या है ये लिखना है वहाँ मात्रा विशेषण विशेष अलग होता है कहना विशेष में नहीं दिखाई दे रहा आपको 47% नहीं दिखाई दे रहे नीचे नहीं टीका में कहा सामान्य विशेष अभाव सामान्य विशेष अभाव विशेष भाव से लिखा है अच्छा सामान्य विशेष भाव से ठीक है ना 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 ठीक है ठीक है विशेष भाव से ही बोला जाए सामान्य विशेष भाव से अभिधातु अलग गत्वात् सामान्य विशेष भाव का नाम हाँ सामान्य विशेष भाव के रूप में बोलने का योग्य नहीं होता सामान्य विशेष भाव से जो शब्द प्रयोग होता है वो योग्यता भी नहीं है इसीलिए हम व्यतिरिक्त दृष्टांत में बोल रहा हूँ यहाँ पे बाप ठीक है वो ठीक है ये कोई गलती नहीं है मेरे पढ़ने में गलती हुई मतलब दिमाग में एक चीज़ है नहीं बोलने इसलिए यहाँ पे तो सामान्य यहाँ पे तो गवा गवादि गवादौ इव है ना गवादौ इव अद्वितीय तुरीय सामान्य विशेष भावस्य सामान्य और विशेष भाव का अभिधातु अयोग्य कथन करने में योग्यता नहीं है अभिधातु अयोग्यत्वात् इति मत्ता इसको मन में रखते हुए कहते हैं तब तक वहाँ पे सामान्य और विशेष दोनों नहीं होने के कारण फल वहाँ पे शब्द प्रयोग नहीं होता इसलिए सामान्य विशेष भावस्य अभिधातु उस प्रकार से कथन करने की योग्यता उसमें नहीं है जो अनेक होता तो ऐसा कह सकते थे ठीक है फिर आया आपका चतुर्थ न चतुर्थ चतुर्थ क्या था क्रिया चतुर्थ को लेकर के पूर्ण रहे हैं हाँ ना भी क्रियावत्वम पाचकादिवत अभिक्रियत्वात् ठीक है ना जैसा पाचक गायक नायक ढोलक वादक कुछ भी आप बोलेंगे तो ये क्या होता है उसमें कोई क्रिया होती है खाना बनाने वाला पढ़ाने वाला पढ़ने वाला कुछ भी बोलते हैं क्रिया के द्वारा व्यक्ति को समझा जा सकता है परंतु यदि क्रिया होती तो जहाँ भी क्रिया वहाँ पर विकार होगा जहाँ कहीं भी कुछ क्रिया है वहाँ पर विकार है क्रिया मात्र विकार है आत्मा को अभिकार मुच्यते वहाँ पे विकार नहीं है यानी कि वहाँ पे क्रिया नहीं है इसे यहाँ पे बोलते हैं ना भी क्रियावत्तम वहाँ पे क्रियाशारित क्रिया वाला भी नहीं है पाचक आदिवत जैसे पाचक आदि में क्रिया होते हैं इस प्रकार आत्मा में कोई क्रिया सारा व्यतिरिक्त दृष्टांत तो है नहीं हो सकता कि अभिक्रियत्व आत्मा अभिकारी तत्व होने के कारण आत्मा विकारी नहीं है इसलिए अभिक्रियत्व जो टीकाकार लिख रहे थे कि पाचक आदो इव अक्रिय पाचक आदो इव अक्रिय तुरीय विक्रिय यहाँ पे पाचक आदि व्यतिरिक्त दृष्टांत हो गया और अक्रिय तुरीय पाचक आदि में क्रिया है और तुरीय अक्रिय है इसलिए इधर अन्वय होगा पाचक आदो इव अक्रिय तुरीय विक्रिय शब्द प्रवृत्ति निमित्त वक्तुम अयोग्यता पाचक आदो इव जैसे पाचक गायक ना होता है ना वो सब क्रिया है अक्रिय तुरीय में विक्रियावत्तस्व वहाँ पे कोई विकार नहीं होने का विक्रियावत्तस्व शब्द प्रवृत्ति जो शब्द प्रवृत्ति के निमित्त है विक्रिया वक्तुम अभिक्रियत्वात् तो वहाँ पे जो वो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि अभिकारी तत्व है कोई धातु प्रयोग नहीं होता कोई सांस कोई शब्द प्रयोग क्रिया नहीं होता धातु शब्द तत्व नहीं समझा जा सकता ना भी क्रियावत्तम इसलिए वो क्रिया वाले भी नहीं है पाचक आदिवत अभिक्रियत्वात् पाचक आदि के समान वो क्रिया वाला नहीं है क्योंकि अभिकारी होने के कारण पाचक आदि के तरह वो क्रिया वाला नहीं है कि अभिकारी होने के कारण अभिप्राय क्या है क्रिया में विक्रिया मतलब भिकारी होते हैं अभी अंतिम बचा के अपना पंचम पांचम मतलब वो गुण वाला भी नहीं है
यहाँ पे होता है ना पंचम ना अपि भाष्य का लिख रहे ना अपि गुणवत्वम नीलादिवत निर्गुणत्वात् है ना। जैसे वो गुण वाला कोई उत्पल होते हैं अथवा कोई कमल होते हैं लाल सादा नील पीला कुछ भी होगा तो उसके अंदर उत्पल में रहने वाला जो गुण उसके द्वारा उसको विशेषित किया जाता है विशेषित किया जाए नील उत्पल है लाल उत्पल है। तो इस प्रकार आत्मा में कोई गुण भी नहीं है अच्छा है बुरा अच्छा है बुरा है चलता है तो कुछ भी नहीं बोल जा सकता। सगुण ब्रह्म को लेकर के बोलते हैं निर्गुण को तो नहीं बोलते हैं आदित्य वर्ण सगुण का सगुण का बोल रहे आदित्य वर्ण तमस्य परस्ताद ये जो है ना सगुण शकर को लेकर के बोलते हैं। इसलिए ना कि गुणवत्तम नीलाधिपत नीलादि के समान गुण भी नहीं हो सकता अकस्मात आत्मा निर्गुणत्वा तुरीय निर्गुणत्वा उसी को समझा रहे हैं। उत्पलादो है ना कोई भी द्रव्य में वस्तु में नीलादि शब्दवत जैसे नील शब्द लाल शब्द गुण है ना निर्गुणे तुरी जैसे नील शब्द प्रयोग कर सकते हैं उस प्रकार निर्गुण तुरियों में गुणवत्तस्य जो गुण वाला जो मतलब निर्गुणे तुरीय गुणवत्तस्य मतलब गुण वाला होने के लिए शब्द प्रवृत्ति निमित्त से जो शब्द प्रवृत्ति का निमित्त बनता है वक्तु मधुरत्व निर्गुणे बोलना निर्गुणे तुरीय सती वो ऐसा होने के कारण गुणवत्तस्य शब्द प्रवृत्ति निमित्त से जो गुण वाला होता है वहाँ पे शब्द प्रवृत्ति किया जाता है अच्छा बालक बुरा बालक लंबा बालक छोटा बालक काला बालक गोरा बालक ये सब जो है शब्द प्रवृत्ति के गुण रूप है वो प्रवृत्ति का नियुक्त नियुक्त तो आत्मा क्या है तुरीय क्या है निर्गुण है इसलिए वहाँ पर शब्द प्रवृत्ति का निमित्त नहीं बनता। इसलिए बोलते हैं उत्पलादो नीलादि शब्दवत निर्गुणे तुरीय निर्गुण तुरीय में गुणवत्त शब्द प्रवृत्ति निमित्त से जो गुणशीलता जो शब्द प्रवृत्ति के निमित्त है वो निर्गुण तुरीय में वक्तु मधुक्त तत्व बोलना संभव नहीं होने के कारण यहाँ पर शब्द प्रवृत्ति का निमित्त तो है नहीं निमित्त शून्यत्व का व्याख्या करना है यहाँ पे ना ना भी गुणवत्त मिला निवत निर्गुणत्व एक बार संबंध रूढ़ी फिर से बता दीजिए। दो हो तो संबंध हो ना दो हो तो संबंध हो जहाँ पे दो को संबंध मतलब क्या जैसे कि ये इसका पिता है ये इसका चेला है ये इसका चाचा है इसका भाई है इस प्रकार संबंध होते हैं संबंध कृष्णस्य भ्राता संबंध षष्ठी प्रयोग होता है इसलिए हम षष्ठी अध्याय प्रयोग किया। यदि दो हो तो वहाँ पे संबंध होना संभव है जब अद्वितीय है ना तो वहाँ पे संबंध किससे होगा जब हम बोलते हैं लंबा है छोटा है बड़ा वो तो गुण गुण ये गुण में आ जाएगा गुण का ही अच्छा और आकार भी सब गुण में आ जाएगा गोल है गुण है वो आकृति आकार है उसके द्वारा मतलब ये सब गुण में आ जाएगा अच्छा रूढ़ी में क्या बोला जो प्रत्यक्ष प्रमाण आदि के द्वारा देखा जाता है जो विदेश है ये पेन है एक कोई बच्चा को देखिए देखिए डिश कप डिश कप डिश प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है वो कप डिश कोई भारतीय भाषा नहीं है परंतु हर क्षेत्र में इसका प्रसिद्ध है लगभग सभी यही बोलते हैं ये प्रत्यक्ष मानगम है वो रूढ़ी है वो किसी एक प्रमाण के तरह सब कुछ जो सब जान समझते हैं तो वो प्रसिद्ध हो जाता है ठीक है ना। जिस प्रकार एक जल एक जो फ्लूइड है उसको उसको जल बोलते हैं शब्द अलग प्रयोग होने पर प्रसिद्ध है सभी में इसी को जल बोलेंगे इस वस्तु को जल बोलेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा दिखाई देते हैं। ये दो हो गया तो क्या आत्मा एकम एक अद्वितीय होने के कारण ना संबंध हो सकता है और प्रत्यक्ष कोई प्रमाण गम्य नहीं होने के कारण रूढ़ी नहीं हो सकता है और अकेला होने के कारण सामान्य विशेष भाव नहीं है इसलिए जाति और ये भी नहीं हो सकता है क्रिया पूर्ण होने के कारण क्रिया नहीं है निर्गुण होने के कारण गुण नहीं है इसलिए शब्द प्रवृत्ति का निमित्त का अभाव है इसलिए होता है शब्द अनभिधेयत्व। इसलिए तुम जो बोल रहे थे कि शब्द के द्वारा कहा जाता है ये तो शब्द के द्वारा कहा नहीं जाता है तो एक बात ही बोल रहे थे क्या बोला था जत्र जत्र अधिष्ठानत्व तत्र तत्र वाच्यत्व ये था व्याप्ति और वेदांति क्या बोलता है ये अधिष्ठान में वाच्यत्व में व्याप्ति हर जगह पे नहीं करता व्यभिचार है कहाँ पे रज्जु सर्प में व्यभिचार स्थान है ना उसको देख ला आपका ये अनुमान बाधित हो रहा है आप टीका में देखिए तद एवं तुरीयस्य वाच्यत्व अनुमानम शब्द प्रवृत्ति निमित्त अनुपलब्धि बाधितम इति फलितम आह शब्द प्रवृत्ति के निमित्त जो पांच कारण है उसका अभाव होने के कारण उसका अनुपलब्धि उसका उपलब्धि नहीं होने के कारण आपका अनुमान बाध दोष के द्वारा ग्रसित है बाध दोष के द्वारा ग्रसित है। तद एवं तुरीयस्य वाच्यत्व अनुमान अभी जो आपने अनुमान किया था ना तुरीय वाच्यम अधिष्ठान तद घटाधिपत
इस अनुमान क्या था, शब्द प्रवृत्ति निमित्त अनुपलब्धि, शब्द प्रवृत्ति के निमित्त जो पांच चीज होता है वो उपलब्ध नहीं होने के कारण उसके द्वारा ये बाधित हो जाता है, प्रमाणांतर से बाध हो जाता है, इसलिए इति फलितम अहम उसको फल कहता है। अतः अब भाष्य में आ जाइए, अतः न अभिधाने न निर्देशम अर्थात, इसलिए कोई शब्द के द्वारा उसको निर्देश नहीं किया करके जो को नहीं है निर्देशम तुरीय अभिधाने न निर्देशम न रहते, इसलिए तुरीय कोई शब्दों के द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता। क्योंकि तब बोलते हैं तब तो ये होगा शस्व विषाणादि समत्व निरर्थकत्व ही, और बात फिर बोलता है तब तो क्या हो गया जिसको कोई शब्द प्रमाण के द्वारा किसी प्रकार से समझाया नहीं जा सकता है, जब समझाया नहीं जा सकता है उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, जो वस्तु को आप समझते हैं जिस वस्तु जो भी व्यवहार उपयोगिता होता है तब तो उसका तो प्रयोजन है, उसका तो उपयोगिता है उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। तभी शस्य विषाण आदि समत्व तब तो सशस्त्रिंग के समान आकाश कुसुम के समान निरर्थक तब तक उसमें तो कोई प्रयोजनता सिद्ध नहीं होगा इससे, क्योंकि भी कोई जानने समझ नहीं पाता इसको तो प्रयोजन क्या सिद्ध होगा। अब देखिए टीका का लिख है इसके ऊपर, यदि तुरीयस्य नास्ति विशिष्ट जात्यादि मत्तम तही नर विषाणादि दृष्टेर इव तद नर विषाण दृष्टेर इव तद दृष्टेर अभिनिष्फलत्तम, यदि तुरीयस्य तुरीय का नास्ति विशिष्ट जात्यादि मत्तम, वहाँ पे जाति गुण क्रिया संबंध ये कुछ भी नहीं है, यदि ऐसा नहीं है कहाँ तुरीय में, तुरीय में तुरीयस्य विशिष्ट जात्यादि मत्तम नास्ति, यदि ऐसे तरी तब तो नर विषाणादि दृष्टि नहीं हो, जैसे किसी कोई कहता है देखो ये सुतृष्ट है देखो ये मनुष्य का श्रृंग है, वो जैसा देखना मात्र कुछ दिखाई नहीं देता बोलना मात्र ये तैतरी में नहीं था ऐशो बंध सुतो जाति सशस्त्रिंग धनुर्धर दिखाई कुछ देगा क्या तरी तो प्रयोजन में सिद्ध कुछ बोलने के लिए शब्द प्रयोग मात्र इसलिए बोलते हैं नर विषाणादि दृष्टि नहीं होता दृष्टि रूप उस प्रकार दृष्टि भी निष्फल है, उसका उपयोगिता ही नहीं है निष्फल इतना। विशिष्ट जात्यादि मत हो राजादे उपासनस्य फलवत् उपलम्बति संगत, क्योंकि विशिष्ट जाति गुण क्रिया आदि से युक्त किसी व्यक्ति को यदि उपासना करके चिंतन करके सोचेंगे उससे कोई फल प्राप्त होते हैं, इसीलिए तो जब हम सांडिल्य वित्त में मनोमय प्राण शरीर भार उपलब्ध इतने सारे भीषण के तत्व भीषित कहते हैं ऐसा उपासना करने से कुछ फल स्पर्शाली होते हैं, कुछ नहीं है उसके अंदर उसको उपासना करने चिंतन करने से क्या लाभ है, कोई फल से समझ में नहीं आएगा, पहले समझ में आता है फिर भी कोई फल नहीं मिलेगा, क्यों जिस गुण के साथ अपने को यथार्थ न्याय है प्रत्येक व्यक्ति कुछ प्राप्त करने के लिए कोई उपासना करते हैं उसके अंदर प्राप्त करने को जो कोई गुण ही नहीं है तो क्या प्राप्त करोगे तुम, कोई उपासना करोगे उसको, ये तो सही बात है। तो इसलिए हमने बोलते हैं कि विशिष्ट जाति मत विशिष्ट जाति वाला हो करके राज्य से राजा हुआ कोई मंत्री हुआ उसको उपासना करने से फलवत्त उपलब्ध उसको फलशाली होते उपलब्ध होता है, इति शंका तो उसको मन में रखते शंका करते हैं शशु विषाण आदि समत्व निरर्थकम तरी तब तो इस प्रकार का चिंतन तो निरर्थक हो जाएगा। अब सिद्धांत उत्तर दे अरे ये कितना शास्त्र का देखो श्रुति क्या बोलती है, यथा अब से पहले दृष्टांत तो देखकर के समझा रहे यथा सुक्तिर इयम इति अवगमे रजतादि विषय तृष्णा व्यावर्तते, पहले इसको समझ लीजिए जिस प्रकार आपको कहीं पे रजत भ्रांति हुई थी प्रचंड सूर्य प्रकाश में शीशे का टुकड़ा पड़ा हुआ था, हमने सोचा एक सिक्का पड़ा हुआ है हमारे मन में लोभ बैठा हुआ है पैसा मिले, तो जैसे हमने उसको उठाया हाथ में लगा शीशा धुर और जो मन में जो वहाँ से पैसा प्राप्ति की इच्छा थी वो चला भी जाता है, नहीं नहीं रस्ते में पैसा नहीं मिलता मेहनत करते कमाना पड़ता है अपने आप ये सोचते, इसलिए बोलता है जथा जैसे शुक्ति यम ये जो एक शीशे का टुकड़ा है शुक्ति का तो शीशे का टुकड़ा यम इति अवगम है ऐसा समझ में आ जाने पर रजतादि विषय तृष्णा रजत अथवा कोई अपने अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति की जो इच्छा तृष्णा होते है ना वो व्यवहारता वो निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है ये समझ में आ जाएगा, ये शुक्ति का के स्थान में पूरा सृष्टि ये जो बालू का जो दृष्टांत देते हैं ना रज्जु में हमको क्या दिखाई दे रहा है एक वस्तु है, शुक्ति का में एक वस्तु है ठूंठ भी एक वस्तु है परंतु बालू में अनेक बालू है कि नहीं, बालू बालुत्व धर्म तो शुक्ति का तो धर्म मतलब आपका उषरत्व धर्म तो एक है परंतु अनेक छोटे 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 बालू का नाम अलग 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 देख सकते हैं, परंतु एक ही जल का भ्रांति होती है संसार भी ऐसे अनेक रूप में दिखाई देता है, मतलब एक ही सुख का भ्रांति होता है,
ये हमारी सुख की हेतु बनने के मतलब ऐसे हमारे प्यास मिटा सकती है, ये हमारी तृष्णा को मिटा सकती है, भ्रांति होती है। परंतु यदि कोई कहे जो वहाँ पे बालू है तो फिर आप उसके पीछे नहीं दौड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार जब ऐसा कह देते हैं अरे अरे ये सुख देने वाले वस्तु नहीं है, यहाँ पे कोई पारमार्थिक कथा है ही नहीं, ये देखो वो ऊपर से चाकचिक्यता दिखाई दे रहा है। तब अंग्रेजी में कहावत है ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। तो ऐसे ही यहाँ पे जो सुख देने वाले आपको तृष्णा मिटाने वाले नहीं है, यथा सुक्ति यम इति अवगमे रजतादि विषय तृष्णा व्यावर्तते तथा ठीक उसी प्रकार से तुरीयम ब्रह्म अहम इति आत्मत्वेन तुरी अस्य साक्षात्कार सती अनात्म विषया तृष्णा विच्छेद्यते। बस जो दुख का हेतु क्या है, अनात्म विषय तृष्णा ही दुख का हेतु है। मनुष्य के दुख के पीछे हेतु क्या है, अनात्म विषय तृष्णा ही दुख के हेतु है। जिस प्रकार जिस समय वो जान जाएगा तथा जैसे दृष्टांत दिया पहले, जैसा शुक्ति का है ये सर्प है, ये सर्प नहीं है, ये क्या है रज्जु है, ये जान लेने पर क्या होता है सर्प संबंधी डर मिट जाते हैं। अब यहाँ पे दृष्टांत तो दिया क्योंकि मनुष्य को सब कुछ प्राप्ति करने की इच्छा है ना, क्योंकि यहाँ पे दृष्टांत तो क्या दिया था, अरे राजा की उपासना करने से कुछ प्राप्त होता है, तो धन मिट सकते, इसके वास्ते कुछ भी नहीं है। अब देखिए हमारा शुक्ति के पास कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास, नंगा था ना, खाने का भी नहीं है कुछ, परंतु सब उन्हीं को उपासना में लगा हुआ रहता है, क्योंकि उससे जो मांगे वही मिल जाता है। बड़ी विचित्र बात है, और उनका नाम भी हो गया इसलिए आशुतोष, थोड़े से संतुष्ट भी हो जाते हैं, नंगा रहने पर भी पूरा सृष्टि के मालिक जो भी चाहो उससे मिल जाता है। तो ऐसे यहाँ पे बोलता है, परंतु क्या होता है कि सामान्य व्यवहार में जैसे हमें सुक्तिका के ज्ञान हो जाने पर फिर रजत संबंधित भ्रांति मिल जाती है, फिर इससे हमें सुख नहीं मिल सकता, ऐसा निश्चित हो जाता है। इसी प्रकार से तथा तुरीयम तृतीय ब्रह्म अहम इति आत्मत्वेना, मतलब ये जो तुरीय मतलब उस व्यापक तत्व मैं हूँ, असंभव निर्विशेष व्यापक तत्व मैं हूँ, यदि तुरीयों को तुरीयम आत्मत्वेना अपनी स्वरूप भूत पे जान लेने पर है ना, तुरीयस्य साक्षात्कार आत्मत्वेना तुरीयस्य साक्षात्कार उसके अपरक्षण साक्षात्कार सती साक्षात्कार हो जाने पर अनात्म विषया तृष्णा व्यवच्छिद्यते। अनात्म विषय संबंधी तृष्णा का विशेष बी और दो को शब्द लगा हुआ है, छिद धातु है, छिद्यते बी और अव विशेष रूप से उसका कभी आपके मन में आएगा ही नहीं, निश्चय हो जाने ये जगत में मार्मार्थिक कथा नहीं अशुद्ध है उसका चिंता ही मन में नहीं आता। इसलिए तद एवं आत्मत्वेन तुरीय अवगमस्य सर्व आकांक्षा निवर्तकत्वा अनर्थकत्व शंका न जुक्ता इति परिहरति। ठीक है ना, इस प्रकार से तस्मात एवं इस प्रकार से आत्मत्वेन जब स्वरूप भूत होकर के तुरीय अवगम्य तुरीय को जान लेने अवगमगमस्य तुरीय ये बहुवृ समस्या यहाँ पे तुरीय अवगतम ये न स तुरीय अवगम तस्य तुरीय अवगतम ये न उस तत्व तुरीय तत्व को जिसने जिसके द्वारा जान लिया गया समस्या है उसका सर्वाकांक्षा निवर्तकता समस्त आकांक्षा जागतिक बुद्धि संबंधी आकांक्षा मिट जाने के कारण अनर्थकत्व शंका तुरीय ज्ञान अनर्थक है ये आशंका होना नहीं चाहिए, न युक्ता युक्ति संगत नहीं है, इसको मन में रखते ही परिहरति भगवान भास्कर इस शंका का परिहार करते हैं, निराकरण करते हैं। यहाँ पे न इत्यादि ठीक है ना, ये न प्रतीक कहाँ पे है, लास्ट वर्ड 45 पेज में लास्ट वर्ड है जो वो नौ प्रतीक वहां पे लेना है। न आत्मत्व अवगमे तुरीयस्य ये तुरीय मेरा स्वरूप है, मतलब मैं असंग अकर्त व्यापक पूर्ण हूँ, तुरीय बोल जिसको जो शब्द ब्रह्म नहीं है। इस प्रकार अनात्म तृष्णा व्यावृत्ति हेतुत्वात् ठीक है ना, वो बोध इस प्रकार की आत्मबोध अनात्म विषय संबंधित तृष्णा का क्या होता है, व्यावृत्ति के हेतु बनते हैं, उसको मिटाने के हेतु बनते हैं। ठीक है ना, जिस प्रकार मरुभूमि के पानी को देख करके प्यास बुझा देंगे मेरे को इसलिए उतर दौड़ते हम, परंतु कोई कह दे अरे कितना भी चलते जो पानी मिलने वाला नहीं है, ठीक इसी प्रकार कोई जब सदगुरु कह देते हैं कि इस संसार में कितना भी प्रयास करते जाओ कितना भी भौतिक वस्तु मिल जाए तो सुख देने वाला नहीं है, विवेकी व्यक्ति को समझ में आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं अनात्म तृष्णा व्यावृत्ति हेतुत्वात् अनात्म विषयक तृष्णा की निराकरण करने का हेतु होने के कारण
दृष्टान्त तो क्या दिया, शुक्ति का अवगम इव रजत तृष्णाद्य, शुक्ति का की बोध होने से उसको जो रज तत्व कर्म जो भी कुछ हमने किया था उसकी इच्छा जैसे मिट जाती है, इसी प्रकार से तुरियों की बोध होने से जागतिक विषय तृष्णा मिट जाती है, जागतिक विषय तृष्णा दुख के कारण से आत्यंतिक दुख निवृत्ति हो जाती है, इसलिए तुरीय अवगम निरर्थक है, ये तुम नहीं कह सकते हो, ये नहीं कह सकते। अच्छा फिर टीका में आ जाइए, तुरीयस्य आत्मत्व अवगमे सति सर्व अनर्थ हेतु तृष्णादि दोष निवृत्ति लक्षण फलम उक्तम विद्वत अनुभवेन साधयति। भगवान भाष्य का जो बोला वो विद्वान का अनुभव के द्वारा भी सिद्ध करके दिखा दिया। क्या बोला, तुरीयस्य है तुरीय का आत्मत्व अवगम, यही मेरा स्वरूप है, इस प्रकार से बोध हो जाने पर सत्य शब्द नहीं है, ये कंडीशनल, इस प्रकार होने पर ही होगा, जब तक नहीं तब तक नहीं होगा। तुरीयस्य आत्मत्व अवगमन सति सर्व अनर्थ हेतु, समस्त दुख के लिए हेतु क्या है, जो तृष्णा विषय तृष्णा आदि दोष है ना, वो ये दोष निवृत्ति लक्षण फल, उसका निकल जाना, इस प्रकार लक्षण के द्वारा वो फल है, इस प्रकार फल है, फल उत्तम। आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा बाहर से, ज्ञानी पुरुष को कुछ लक्षण देख करके समझ में आ जाता है, तो सिद्ध प्रज्ञा का लक्षण, ज्ञानी का लक्षण, गुणाधिक का लक्षण बोलते हैं, इसलिए हमें बोलते हैं कि इस प्रकार निवृत्ति लक्षण फलम उत्तम, संसार से दुख से निवृत्त हो जाता है, ये उसका फल कहा गया है, तत्र को महपोष हो गया एकत्तम अनुपस्थित, ये फल कहा गया है, ये विद्वत अनुभव है ना, विद्वान पुरुष केवल शास्त्र वाक्य नहीं है, विद्वान पुरुष के अनुभव भी है, विद्वान पुरुष के अनुभव भी है, विद्वत अनुभव है ना साधयति, सिद्ध करके दिखाते हैं। अब कहाँ करना पड़ेगा, नहीं तुरीयस्य आत्मत्व अवगमे सति अविद्या तृष्णादि दोषानाम संभवो अस्ति, ठीक है ना, मतलब क्योंकि क्योंकि तुरीयस ही, मतलब क्योंकि तुरीयस आत्मत्व अवगमिष्यति, तुरियों को अपने स्वरूप रूप में जान लेने पर अविद्या तृष्णादि दोषानाम संभवो नास्ति, अविद्या तृष्णादि दोष मतलब अविद्या काम कर्म और कर्म के फल, ये फिर नहीं रह जाता, इसका होना संभव नहीं है, ही मतलब क्योंकि अथवा निश्चित ही तुरीयस्य आत्मत्व अवगमिष्यति, निश्चित ही तुरियों को अपने स्वरूप से अपने जान लेने पर अविद्या तृष्णादि दोषानाम, अविद्या काम कर्म और उसका फल, ये जो दोष है इसका संभव नास्ति, इसका होना संभव ही नहीं, संभव नहीं है। अब बोलेंगे इस प्रकार जो वस्तु दिखाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता, वो किसको बोध में नहीं आता, कोई ऐसा कह सकता है कि अरे जो वस्तु सामने दिखाई पड़ता है उसको तो कुछ समझ में आता है, कुछ को समझ में आता है, जो दिखाई नहीं पड़ता उपदेश नहीं किया जाता बोला कैसे समझ में आएगा, ये कभी बोध होना संभव ही नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सारा शास्त्र अनर्थ हो जाएगा, सारा शास्त्र अनर्थ हो जाएगा, शास्त्र कभी भी एक भी बात ऐसा अनर्थ नहीं कहते, इसलिए बोलते ऐसा नहीं कहना चाहिए। न तुरीयस्य, अब ठीक यहाँ पे आ जाइए फिर, तुरीयस्य आत्मत्व अवगमे सति सर्व अनर्थ, ये हो गया था पंक्ति टीका में ना, अब ननु तुरीयम् तुरीयम् अशेष विशेष शून्य न आत्मत्वेन अवगन्तुं शक्यते तद् हेतु अभावात् इति तत्र आह, ठीक है टीका में शंका करने वाले बोल रहे हैं तुरीयम् अशेष विशेष शून्य, तुरीय तो हर प्रकार विशेष शून्य है, कोई विशेष के साथ हो तब उसको समझ में आता है, जाते ही गुण क्रिया सब कुछ तो होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, तुरीय अशेष विशेष शून्य, ये उसका लक्षण है, न आत्मत्वेन अवगन्तुं शक्यते, वो मेरा स्वरूप है, इस प्रकार से बोध होना संभव नहीं है, लगता है ऐसा अज्ञान दशा में, ये कैसे होगा, हाँ न आत्मत्वेन अवगन्तुं शक्यते, क्यों तद हेतु अभाव, उसको समझने के लिए जो हेतु है ना उसका अभाव है, उसका अभाव होने के कारण, यदि जिस प्रकार क्लास में कोई पढ़ाया जाता है आप समझ में आता है तो कोई विषय को लेकर के प्रैक्टिकल थ्योरी सब हो जाता है, विद्यार्थी को समझ में आता है, यहाँ पे क्या समझ में आएगा, उसको आप उठा के कभी दिखाई नहीं सकते, देखो ये वस्तु है, इसीलिए इस प्रकार का वस्तु का ज्ञान कभी होता ही नहीं है, ऐसा बात भी बोलने वाले होंगे, है ना, इसलिए बोलते हैं ननु तुरीय तुरीयम अशेष विशेष शून्यम न आत्मत्वेन अवगन्तुं शक्यते, उसको अपना स्वरूप रूप में आप कभी भी बोध नहीं कर सकते हैं, क्यों, बोध के लिए जो हेतु होता है ना उसका अभाव है वहाँ पे, आप हमको यदि कोई कहता है कि भाई यहाँ पे हर्षल ब्रह्मचारी कौन है तब को क्या बोलना पड़ेगा, कोई ना कोई विशेषता के साथ बोलना पड़ेगा कि नहीं, तो तभी आपको समझ में आएगा,
यानी कि दूसरे को कोई चीज़ समझाने के लिए कोई एक विशेषता के द्वारा कहा जाता है, इसका तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता, कैसे समझेगा फिर? इसलिए इस प्रकार जो समझने है वो बोध कैसे होगा उसका? इसलिए बोलते हैं इसीलिए जेतु अभाव तत्र आह, इस उत्तर भगवान भाष्यकर बोलते हैं न चतुर्य आत्मत्व अनवगम कारण वस्तु। वो बोलते हैं कि होना संभव नहीं है, भाष्यकर बोलते हैं कि उसका बोध होना मतलब नहीं है, बोध होता नहीं है, ये होना ही संभव नहीं, इसका बोध होता है। तुरीय आत्मत्व अनवगम कारणम न अस्ति, तुरियों को अपने से स्वरूप रूप में बोध में नहीं, बोध नहीं होने में कोई कारण ही नहीं है, उसका ही तो बोध होता है, वही वो तो स्वाभाविक है। बोलते हैं भाष्यकार के पंक्ति से क्या बोध बोला, विद्वत अनुभव बोल रहे अपना, वो बोलते हैं कि इस प्रकार कोई विशेष नहीं है, ये होना संभव नहीं है। और भाष्यकार बोलते हैं अरे संभव नहीं है, ये संभव नहीं है कैसे है? एक रुईदास जी थे, रुईदास जी चमारते, उसके पास किसी ने आया कि राम नाम कैसे करे, वो चौंक गया, बोलते राम नाम कैसे करे, यहाँ तो समस्या कैसे छूटे। भाष्यकर भी ऐसे ही बोलते, बोलते ये बोध नहीं होता, इसी का ही तो बोध हो रहा है, इसी का ही तो बोध हो रहा है, बोध नहीं होता ये बोलना संभव ही नहीं है। जड़ सारा जड़ में चेतन जैसे प्रवृत्ति दिखाई दे रहा है, तो चेतन तत्व के बिना कैसे होना संभव है, इसी का तो बोध हो रहा है, केवल दिखाई नहीं दे रहा है परंतु बोध तो हो ही रहा है। इसलिए बोलते हैं प्रत्येक व्यक्ति, मैं कोई मुंह नहीं बोलता अपने को मैं करके, और अपने अस्तित्व को लेकर के किनका संबंध है, किसका शंका है, किसी को नहीं है, अपने अस्तित्व को लेकर के किसी का कोई शंका नहीं है, केवल इतना ही मात्र एक जगह पे कमी है कि मैं व्यापक हूँ, इतना समझ में नहीं आता, मैं हूँ इसका स्फुरन तो सबका होता है, वो व्यापकता से जुड़ा हुआ आनंद, इतना ही मात्र हमारी कमी है, बाकी आत्मा का तो बोध होता ही है। और आप क्या है, क्योंकि हम बाहर आनंद ढूंढते हैं, जिस दिन हम बाहर आनंद ढूंढना बंद कर देंगे तो सर्वानंद अपने पर होता, बस इतना ही मात्र है। इसलिए आप बोलते हैं न चतुर्य, मैं ये वक्त पढ़ के देखो सही में कितना बोल रहा है, इन लोगों में कितना कॉन्फिडेंस है, अरे आप बोल तो कैसे होगा, यहाँ पे बोलते कैसे नहीं होगा, बोध ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, बोध ना हो ऐसा नहीं हो सकता। बोलते हैं कि न चतुर्य आत्मत्व अनुभव कारण अस्ति, क्यों सर्व उपनिषदां तादर्थेन उपक्षयात्, सारे ऋषियों के दर्शन उसी को समझाने के लिए उनका मेहनत पूरा क्षय हो, पूरा जिंदगी भर इसी के ऊपर मेहनत किया, पूरा यूनिवर्स उनके लिए जो है एक लेबोरेटरी था, और उससे उन्हें ये सत्व को प्राप्त किया। जो बोलते हैं सर्व उपनिषदां समस्त उपनिषद का तादर्थेन, इस तुरियों के बोध करने में उपक्षयात, उसी में उसका पूरा परिश्रम लगाया ऋषियों ने, उसमें क्षय हो जाता है। इसे बोलते हैं सर्व उपनिषदां तादर्थेन उपक्षयात्। तो क्या क्या बात है, छोटे में बोलते हैं तत्वमसी, शास्त्र क्या बोलते हैं, गुरु पिता पुत्र को बोलते हैं अरे तू ही वो व्यापक तत्व है, अयम आत्मा ब्रह्म है ना, पिपला ऋषि बोलते हैं तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसी, वही तो परम सत्य, वही तुम्हारा स्वरूप है, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म स बाह्य अभ्यंतरो ही अजह आत्मा एवं सर्व, सारे सूखे वाक्य एक एक करके वहाँ पर उद्धृत करता है ना, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म आपका जो है आत्मा ही छांदोपुरुण पुस्तक दिया हुआ है तत्तमसी छांदो अयम आत्मा ब्रह्म, तो यहाँ भी आया हुआ है, वेदार्णिक में आया हुआ है तत्सत्यम स आत्मा छांदोग है तत् साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म, इसको टिप्पणी दिखाई पड़ रहे हैं। एक नंबर साक्षात वृत्ति व्यवधान अंतरेण एवं अपरोक्ष अपरोक्षम, देखिए ये अपरोक्ष किसको बोलते हैं, यद्यपि हम कभी कभी हमारे पास तीन शब्द है प्रत्यक्ष परोक्ष और अपरोक्ष, प्रत्यक्ष मतलब इंद्रिय गम्य वस्तु, परोक्ष मतलब जो इंद्रिय गम्य नहीं है, और अपरोक्ष मतलब जहाँ वृत्ति भी व्यवधान नहीं है, कोई वृत्ति उठा करके आप उसको जानेंगे, वो वृत्ति मतलब इंद्रिय गम्य वस्तु को संबंधित वृत्ति होती है, जहाँ पे वृत्ति भी व्यवधान नहीं है, जहाँ पे वृत्ति भी व्यवधान नहीं है वो बंध बोध में आता है, मैं हूँ ये बोध के लिए आपका कौन सा वृत्ति चाहिए, अपने आप ही होता है, कुछ देखने का आवश्यकता, आप सारा लाइट बंद कर दो, कान बंद कर दो, नाक बंद कर दो, हाथ पैर को बांध कर कोई रख दे, किसी को हाथ पैर बांध दिया, फिर सब कुछ बंद कर दिया, बत्ती बंद कर दिया,
फिर भी उस व्यक्ति को अपने अस्तित्व समझ में आता है कि नहीं आता है। 10 दिन से खाना नहीं दिया, फिर भी उस व्यक्ति को मैं 10 दिन से खाना ही उत्पन्न नहीं आता है, अपने अस्तित्व समझ में आता है। इसलिए इसके लिए कोई वृत्ति की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं वृत्ति व्यवधान अंतरे नहीं, वृत्ति व्यवधान मतलब इंद्रियों कोई वस्तु को ला करके दिया उससे तक संबंधित मृत्यु भी उसके तरह जो ज्ञान होता है वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष मतलब मृत्यु रूपी व्यवधान भी नहीं है। इसलिए बोलते हैं वृत्ति व्यवधान अंतरे नहीं अपरोक्ष अपरोक्ष साक्षात अपरोक्ष एक अपरोक्ष है और एक साक्षात अपरोक्ष मतलब यहाँ पे वृत्ति भी व्यवधान नहीं है। और वही जो है सब बाह्य अभ्यंतर ही अजर, वो क्या है बाह्य मतलब कार्य और अभ्यंतर हो गया कारण, और वो कार्य कारण भाव होते हुए भी वो जन्म से अपने आप नहीं जाए नहीं जाए अजर। हाँ जहाँ पे सृष्टि होना संभव ही नहीं है, कार्य कारण भाव उसी के ऊपर दिखाई पड़ते हैं परंतु अपने में कोई कार्य कारण नहीं, ठीक है ना। इस प्रकार से जो तत्व है आत्मा ही वेदगुण सर्व, ये आत्मा ही ये सारा मैंने स्वरूप ही सारा संसार में पूर्ण व्याप्त है इत्यादि है, और इस ज्ञान का महान फल कहा गया है। इसलिए हम बोलते हैं तत्व सर्व उपनिषदाम इति उक्तम एवं उदाहरण लेशेन दर, समस्त उपनिषद में ऐसा ही कहा गया है तो सारा उपनिषद देकर यहाँ पे खड़ा कर देगा क्या, तो उसका लेश टुकड़ा लेकर के दिखा देगा क्या क्या लिख रहे हैं सर्व उपाष्टकार बोलते हैं सर्व उपनिषदाम, तो सारा उपनिषद कंधे में लोग आगे धोकर के लाएगा क्या, नहीं है उसका लेश टुकड़ा लेकर के बोल रहे हैं उसके उदाहरण लेशे न दर्शाए थी तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म तत्सत्यम स आत्मा साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म स बाह्य अभ्यंतर ही अज आत्मैव इदगम सर्वम। आजकल तो देखिए एक व्यक्ति का देखिए हार्ट बदल जाता है, किडनी बदल जाते हैं, यहाँ तक भी लिंग भी बदल जाता है, फिर भी मैं वही हूँ ये भूलता नहीं है, है कि नहीं। यानी कि आत्मा में व्यभिचार नहीं है, आत्मा में व्यभिचार नहीं है, और ये बोध होता है कि मैं हूँ। हाँ इतना ही मतलब मैं वही हूँ, सब कुछ बदल गया फिर भी मैं वही हूँ, फिर भी मैं वही हूँ। ये जो आत्मा जो आप व्यभिचारी तेई भद्रपुत्रा है, केवल इतना हमको समझ में नहीं आता, यही मैं व्यापक पूर्ण हूँ केवल इतना समझ में नहीं आता, बाकी सबको समझ में आता है, और वो शास्त्र हमको दिखाते थे। इसलिए आत्मबोध नहीं होता ये तो कह ही नहीं सकते, ये तो कह ही नहीं सकते। अब आ जाइए फिर क्या बोलते हैं, निषेध मुखेन एवं तुरीयस्य प्रतिपादन न विधि मुखेन इति मुखेन इति उपपाद्य वृत्त अनुवाद पूर्वकम उत्तर ग्रंथम अवतारयति, ठीक है। टीकाकार क्या बोलते हैं, अब क्या है तुरियों को केवल मात्र निषेध मुख से ही समझा जा सकता है, उसको आप विधि मुख से नहीं समझा सकते, निषेध मुख से समझा जा सकता है, विधि मुख से समझाने का कोई उपाय नहीं है, इसको पहले प्रतिपादन करके दिखा दिया, ठीक है ना। क्योंकि हम शंका हुआ था कि आपने इसको बोला अंत प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ यहाँ पे क्या है वो आनंद भोग, तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं बोलते हो, बोलते इसको ऐसा कहा नहीं जा सकता, तुरीय उससे बिल्कुल विलक्षण है। इसलिए निषेध मुखेन एवं तुरीयस्य प्रतिपादन, निषेध मुख माध्यम के निषेध को माध्यम बना करके ही तुरीयों का प्रतिपादन किया जा सकता है, न विधि मुखेन उसको जो है विधि के माध्यम से ऐसे 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 प्रकार नहीं कहा जाता है। इति उपपाद्य इसको युक्तिपूर्वक समझा करके, इसको युक्तिपूर्वक समझा करके कौन ये जो अभी तक समझा इसे वृत्त अनुवाद पूर्वक, इसके पहले जो भी कुछ मतलब छठा मंत्र तक जो भी कुछ कहा गया है उसको दोबारा बोल करके उत्तर ग्रंथम अवतर अगला ग्रंथ सप्तम मंत्र का अवतरण देते हैं भगवान भाष्यकार, अवतारयति भगवान भाष्यकार। अब देखिए वृत्त क्या बोल रहे हैं, सो अयम आत्मा चतुष्पाद बोल कर कहा था ना, तो उस आत्मा का चतुष्पाद मतलब वो दो भाग है उसका, एक पारमार्थिक भाग एक अपारमार्थिक भाग, जिस पैर के ऊपर चल के जाया चला जाता है वो हो गया अपारमार्थिक भाग, और जहाँ पे पहुँचा जाता हो गया पारमार्थिक भाग, ठीक है। वो जो हमें बोल करता है सो अयम आत्मा परमार्थ अपरमार्थ रूप चतुष्पाद इति उक्त, श्रुति केवल यही कहती सो अयम आत्मा चतुष्पाद, भगवान भाष्कर ने क्या जोड़ दिया उसमें तीन पाद अपारमार्थिक और एक पाद पारमार्थिक, इतना जोड़ दिया। इसलिए बोलते हैं सो अयम आत्मा परमार्थ अपरमार्थ रूप, है ना, कुछ कुछ पारमार्थिक है कुछ अपारमार्थिक है, चतुष्पाद ऐसा कहा गया थी उक्त, ऐसा पहले कहा अमा कर देना वहाँ पे, तस्य अपरमार्थ रूपम अविद्या कृतम रज्जु सर्पादि समम उक्तम पाद त्रय लक्षणम बीजांकुर स्थानीय,
ठीक है, ये अपरमार्थ रूप है, ठीक है। तस्य जो मतलब उच्च आत्मा का, तस्य आत्मन अथवा तुरीयस्य अपरमार्थ रूप, उसका जो अपरमार्थिक रूप है, अपरमार्थिक रूप क्या है? अविद्या का। मैं बोला ना यहाँ पे एकमात्र अज्ञात ब्रह्म मुक्ति का हेतु है और अज्ञात ब्रह्म ही बंधन का हेतु है। अज्ञात ब्रह्म ही दूसरे शब्द में माया है, इसलिए मतलब अविद्या कृतम। और वो कैसे है? रज्जु सर्पादि समम, रज्जु पे ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प के समान, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प के समान, उसका जो तीन पाद है ऐसा ही है समम। और वो क्या है? पाद त्रय लक्षणम बीज अंकुर स्थानीय उक्तम, वो जो तीन पाद के द्वारा लक्षित होता है वो क्या है? बीज और अंकुर के समान, मतलब कार्यकरण भाव से जुड़ा हुआ है। तुरीय अवस्था या सुषुप्ति अवस्था का बीज अवस्था है, स्वप्न अवस्था अंकुर अवस्था है, स्थूल विराट पुरुष स्थूल अवस्था हो गया, ये बीज अंकुर समान। इसलिए बोलते यहाँ पे बीज अंकुर स्थानीय पाद त्रय लक्षणम, जो तीन पाद के द्वारा लक्षित होते हैं। और वो कैसे है? रज्जु सर्पादि समान, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा सर्प सर्प के समान है, इति उक्तम, ऐसा कहा गया है। समझ में आ रहा है ये पंक्ति? तस्य मतलब तुरीयस्य अपरमार्थ रूपम, जो अपरमार्थिक रूप है वो क्या है? अविद्या कृतम, वो अज्ञान के कारण दिखाई पड़ते हैं। इसलिए अज्ञान के कारण दिखाई देने से क्या होगा? जिस प्रकार अधिष्ठान की अज्ञान से रज्जु के ऊपर सर्प दिखाई पड़ता है, इसलिए बोलते हैं रज्जु सर्पादि समान, क्यों? अधिष्ठान के अज्ञान से दिखाई पड़ते हैं। और उक्तम को लास्ट में ले जाके पादत्र लक्षणम बीजंकुर स्थानीय उक्तम, ये अपरमार्थ रूप, ठीक है ना। वो तीन पाद के द्वारा लक्षित होता है, जो बीज अंकुर के समान दिखाई पड़ते हैं, पहले एक पहले बीज अवस्था, फिर अंकुर अवस्था, फिर वृक्ष अवस्था, इस रूप में दिखाई पड़ता है, ऐसा वहां पर कहा गया है। ये हो गया उसका अपरमार्थिक रूप। सो एवं आत्मा चतुष्पाद में जो तीन पाद उसका अपरमार्थिक है, एक पाद पारमार्थिक है, तो तीन पाद की ऐसा लक्षण है। और आगे बोलते हैं अथ इदानीम, अब इस समय, इसके बाद, अथ मतलब अब उसके बाद, इदानीम मतलब अब आ करके, अबीजात्मकम जिसमें किसी का कोई बीज नहीं, बीज होगा तो आपको मायापति के साथ अपने में जाना पड़ेगा, जो किसी का बीज नहीं है, अबीज आत्मकम, यही उसका परमार्थिक स्वरूप है। तुरीयों का पारमार्थिक परमार्थ स्वरूप वो है कौन वहां पे? रज्जु स्थानीय मतलब भ्रांति के अधिष्ठान, समझाने के लिए बोला ही भ्रांति के अधिष्ठान, ठीक है। अथ इदानीम, अब इतना कथन करने के बाद, छह मंत्र के द्वारा अपारमार्थिक रूप का कथन करने के बाद, अब आपके पारमार्थिक रूप का कथन करना चाहते हैं स्मृति। इसलिए आप अथ इदानीम अभिजात्मक, जो अभिजात्मक नहीं है मतलब कार्यकरण भाव विनिर्मुक्त, सृष्टि होना संभव नहीं है, बीज से तो उनको रुके बीजात्मक है नहीं, वो विशेष, इसलिए आपके कार्यकरण भाव से छुटा हुआ है। अभिजात्मक परमार्थ, यही उसका पारमार्थिक स्वरूप है ना। रज्जु स्थानीय जो अधिष्ठान रूप है, सर्पादि स्थानीय उक्त स्थानत्रय निराकरणे न आह, इसीलिए सर्पादि स्थानीय जो तीन स्थान है, सर्प के समान कौन है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति, रज्जु को ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, तो आपको रज्जु को समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नयम सर्प इयम रज्जु, ये बोलना पड़ता है ना। आप देखिए क्या होता है, कोई व्यक्ति सर्प के डर के मारे दौड़ रहा है, सांप 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 सांप, तो आपको पहले क्या कहना पड़ेगा? बच्चे रुको, वहां पे सांप नहीं है, वो एक रस्सी है। अब जहां पे आपको दिखाई दिया, आप यहां से दौड़ रहे इधर जा रहे हैं, इधर सर्प सर्प बोल रहे, मैं बोलता हूँ वहां सर्प नहीं है, उसका डर जाएगा कि नहीं जाएगा? जहां पे उसको सर्प दिखाई दे रहा है तो वहां पे ना बोलना पड़ेगा। इसीलिए क्या वहां बोला कि वहां पे जहां पर उसका संसार दिखाई दे रहा है वहीं पर संसार का निषेध होता है, इसी को मिथ्या बोलते हैं। प्रतिबन्न उपाधो त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व मिथ्यात्व, जहां पे जो वस्तु दिखाई दे रहा है वहां पे त्रिकालिक निषेध हो जाता है, उसको मिथ्या बोलते हैं। इसलिए हमें बोलते हैं रज्जु स्थानीय सर्पादि स्थानीय उक्त स्थानत्रय, सर्पादि के स्थान में कौन है? जो तीन स्थान के बारे में पहले कथन किया है, इसीलिए सर्पादि स्थानीय उक्त स्थानत्रय निराकरण है ना, उसका निषेध करते हुए स्तुतियों का बोध करेंगे, स्तुतियों का बोध करेंगे, इति आह उसका मन में कहते हुए कहते हैं आह, ठीक है। तो ये जो एक मतलब देखिए टीकाकार क्या बोले थे कि जो पहले कथन करके आया उसका अनुवाद करके आगे क्या कथन करना चाहते हैं उसका अवतरण देते हैं। तो जो पहले कथन करके आया क्या तीन अवस्था को कथन करके आया, जो अपारमार्थिक रूप है, और अभी किसको समझाना चाहते हैं? पारमार्थिक रूप को समझाना चाहते हैं, उसको क्या करेंगे? वो तीन अवस्था को निराकरण करके उसको समझाएंगे।
ये अभिप्राय है। अतः इदानीम अभिजात्मकम परमार्थ स्वरूपम रज्जु स्थानीय चरपाति स्थानीय उक्त स्थानत्र निराकरण है ना आह, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे बोला गया था बीज अंकुर स्थानीय ना, बीज उसका अर्थ लिखते हैं बीज अंकुर स्थानीय मिथो हेतु हेतु मन भावे न व्यवस्थित मिति अर्थ, मतलब क्या है कार्य और फल, क्रिया और क्रिया के फल। आपने कर्म किया, कर्म से शरीर, शरीर किसे कर्म किया फिर कर्म, कर्म शरीर कर हेतु हेतु मन भाव लगा हुआ है, कर्म से शरीर, शरीर से कर्म, कर्म से शरीर, इस प्रकार चलता रहता है। ये हेतु मन भाव व्यवस्था एक, और दूसरा जो है वहाँ पे आपका बोला अभिजात्मक मतलब क्या है कार्य कर्म विनिर्मुक्त मुक्त मिथे जाओ, है ना, बस इतना ही आप हमें देते हैं। परमार्थ तत्र हेतु शुष्य हेतु, इसके हेतु क्या है वो पारमार्थिक स्वरूप है, पारमार्थिक स्वरूप हम कृष्ण का अनुष्ठान पहला वाला बोलना पड़ेगा। अजन अपि यदि योगम प्रापदैश्वर्य योगात् अगति जगति मत्तां प्रापदेकं हिरणेकं विविध विषय धर्म ग्राही मुग्धे क्षणानां प्रणत भय विहंत्री ब्रह्मजत्तन्नोऽस्मि।